तहरीक इंसाफ की खवातीन ने मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च पर नए अंदाज से तनकीद की। JUI के आजादी मार्च के शुरका के लिए हलवे और बिरयानी की देगों के साथ साथ डीजल के डब्बे लेकर कराची प्रेस क्लब पहुंच गईं। रुकने सिंध असेंबली दुआ भुट्टो की क्यादत में प्रेस क्लब आने वाली PTI की खवातीन ने हलवे, बिरयानी और डीजल के डब्बों के साथ एहतजाज किया। दुआ भुट्टो का इस मौके पर कहना था कि मौलाना साहब अपने सियासी मकासद के लिए मदरसों के गरीब बच्चों को इस्तेमाल न करें। मौलाना साहब जिस हलवे, बिरयानी और डीजल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं वो हम साथ लाए हैं। वो हमसे हलवा, बिरयानी और डीजल के डब्बे ले लें, बच्चों को ईंधन न बनाएं। आप बिल्कुल आप क्या नाम है रैलियां निकालें, जलसे जुलूस करें, जो दिल करें आप करें, लेकिन आपको हम मजहब कार्ड बिल्कुल खेलने नहीं देंगे, हम बच्चों को इस्तेमाल करने बिल्कुल भी नहीं देंगे। PTI की रुकने असेंबली का कहना था कि मौलाना साहब 10 साल तक कश्मीर कमेटी में रहकर भी कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। कश्मीरी आवाम के लिए इमरान खान ने अमली जिद्दोजहद की है। मौलाना अपने सियासी मकासद के लिए कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे खान साहब ने जो धरना दिया था 3 महीने का, उनके धरने में और इनकी ड्रामेबाजी में बहुत फर्क है। उन्होंने करप्शन खत्म करने के लिए जो जद्दोजहद स्टार्ट की थी, उन्होंने वो उसके लिए धरना दिया था और इन्होंने करप्ट लोगों को बचाने के लिए ये मार्च निकाला है। दुआ भुट्टो ने मजीद कहा कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन यूं गरीब बच्चों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं।